आज पूरा देश ईवीएम के खिलाफ उतरा हुआ है और सबसे ज्यादा इस मूवमेंट को रंग देने वाले आप हैं और 14 जुलाई को भी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, तो क्या है वो 14 जुलाई को जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे की रणनीति वो बताएं। देखिए, उसके पीछे की रणनीति बहुत सीधी है कि हमने 13 जून को इस संघर्ष की शुरुआत की, जिसके बाद में पूरे देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार, वो केवल एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आपका तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात, हर जगह से, साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ, हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया जाए। तो हम इसलिए हमने 14 जुलाई की एक डेट निश्चित की है, जिसमें हमने देश भर के सभी साथियों का 14 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचने का आह्वान किया है। सभी साथी जितने भी हमसे जुड़ चुके हैं वो 14 जुलाई को पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ जंतर मंतर पर पहुंचें, ताकि वहां पर इस आंदोलन की एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनाई जा सके और फिर उसके बाद इस आंदोलन को जन जन तक, घर घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, गांव शहर तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए हमने 14 जुलाई को जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक करने का हमने आह्वान किया है। किस तरीके से आप यहां पर लोगों को बुलाएंगे और कितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं वो भी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि जब पूरे देश से लोग आएंगे तो जंतर मंतर भर जाना चाहिए, मेरा ऐसा आकलन है, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं लगातार लोगों के फ़ोन सुन रहा हूँ, लगातार लोग मेरे से सीधे जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ, हर जगह से व्यक्ति आएगा, हर जाति का व्यक्ति आएगा, हर धर्म का, संप्रदाय का व्यक्ति आएगा, हर बड़े शहर से व्यक्ति आएगा, हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट के अगर मैं 3-4 राज्यों को छोड़ दूँ, उनको छोड़ के बाकी हर जगह से आएगा। नागालैंड से भी लोग आएंगे, असम से भी आएंगे, मिजोरम से भी आएंगे, त्रिपुरा से भी आएंगे, मणिपुर से आएंगे, सिक्किम से आएंगे, पश्चिम बंगाल से आएंगे, नीचे कर्नाटक से भी आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, हर जगह से व्यक्ति आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जंतर मंतर पर लोगों को इतनी भीड़ होगी लोगों की कि पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। ये सारा कार्यक्रम राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ही कर रही है या इसके अंदर और भी पार्टी और संगठन आपके साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, शुरुआत इसकी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने की और धीरे धीरे इसके साथ में और भी पार्टियां, और भी सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, समर्पित देशभक्त लोग इसके साथ में जुड़ते चले गए। आज की तारीख में हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जो रिटायर्ड फौजी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेवी से हों, चाहे आर्मी से हों, चाहे एयरफोर्स से हों, वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ में जो कुछ पार्टियां हैं, जैसे फौजी जनता पार्टी है, जैसे सर्वजन आवाज़ पार्टी है जो केवल फौजियों की ही बहुत बड़ी एक पार्टी है, साथ में भारत प्रभात पार्टी हमारे साथ में जुड़ी है, साथ में एक आज़ाद भारत पार्टी हमारे साथ में जुड़ी है, जिसके हमारे साथी श्री मानवेंद्र जी हमारे साथ कदम से कदम मिला के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके साथ राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी है ही, और भी कई छोटी छोटी नई नई पार्टियां और सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें बॉम्बे से, कलकत्ता से, बेंगलोर से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हैं, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत से बहुत लोग जुड़े हैं, तो एक बड़ी तादाद है जहां से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर क्या लगता है आपको कि अभी जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से होंगे? देखिए, इस सरकार की पूरी मंशा है कि वो चुनाव ईवीएम से करा के और इन राज्यों में अपनी सरकार बनाए, ताकि आने वाले जो समय में राज्यसभा में ये अपना बहुमत कायम कर सके। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरी ताकत लगाएंगे, जनता को पूरी मेहनत से हम खड़ा करेंगे कि किसी भी हालत में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो इन 4 राज्यों के चुनाव हो जो 3 महीने बाद आ रहे हैं, चाहे उसके आगे आने वाला कोई भी चुनाव हो, वो ईवीएम से ना हो, वो बैलेट पेपर से और केवल बैलेट पेपर से ही हो। हम इसके लिए पूरी ताकत हम लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।